ये पता नहीं क्या नई मुसीबत आ गई है। अब कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? हाँ तो बेटा जाने दूंगी ना तुम्हें, लेकिन आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सबको बोलना पड़ेगा कि तुमने अपनी मम्मा के पेट पे बैट से मारा था। हाँ जी हाँ जी, मैं आशमा गिल का हस्बैंड बोल रहा हूँ। रिपोर्ट आ गई, आशमा गिल प्रेग्नेंट है। क्या? जैद ने मारा आसमा के बैट, आसमा के पेट में पल रहे बच्चे की जान है खतरे में। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि आलिया जो है अपने प्लान में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर जैद को एजेंट के हवाले कर दिया जाता है और वो एजेंट निकलते हैं, वो इंसान जो कि बच्चे को बेच देते हैं अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर जैसे तैसे अरमान और आसमा बचा लेते हैं जैद को। ये पता नहीं क्या नई मुसीबत आ गई है, अब कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? हाँ तो बेटा जाने दूंगी ना तुम्हें, लेकिन आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सबको बोलना पड़ेगा कि तुमने अपनी मम्मा के पेट पे बैट से मारा था। हाँ जी हाँ जी, मैं आशमा गिल का हस्बैंड बोल रहा हूँ। रिपोर्ट्स आ गई, आशमा गिल प्रेग्नेंट है। क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जैद को ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जैद को फिर इंडिया से कोई खतरा नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इसका यहाँ पर कोई नहीं है। अब ऐसे में ये जैद को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर सारे परिवार से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैद को बताते हैं कौन इनका क्या लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर आलिया जो है जल भुन चुकी है, अरमान की मॉम को भी भड़काती हुई दिखाई दे रही है कि जैद इस घर का वारिस बन जाएगा तो क्या होगा असली बच्चे का, जो मेरा बच्चा होगा। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्रिकेट चल रहा होता है अरमान और उसकी फैमिली के बीच में, आसमा भी यहाँ पर होती है, बॉलिंग करा रही होती है, अरमान बैटिंग कर रहा होता है, इस बीच आलिया अपने प्लान को अंजाम देती है। आलिया का प्लान ये है कि वो आसमा की कोख में पल रहे बच्चे को मार दे और या फिर कुछ ऐसा कर दे कि आसमा जो है आगे माई ही ना बन पाए। और यही सिचुएशन जो है हम देखते हैं, जैद को बैट पकड़ाती है आलिया और कहती है ऐसे खेलना है, और जैद जब जाता है मैदान में खेलने के लिए सीधा वो बैट आसमा के पेट पर लगता है। खैर अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।